और मंच है, क्या दोनों मंच एक साथ होने संदेश है क्या आज? देखिए, ये मंच तो 27 अप्रैल 2008 को लगा था, आज 15 साल हो गए, और लगातार मंच 15 जून 2015 से लगा था, वो आज भी जारी है, हमारे सैनिक हर रोज आते हैं वहाँ पे। तो ये मंच तो है, ये सभी पूर्व सैनिकों का मंच है, कोई अलग नहीं है। हाँ, विचारधारा किसी एक ग्रुप की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, सैनिकों के अंदर ही अलग हो सकती है, आप समझे, लेकिन पूर्व सैनिक एक है, कोई अलग नहीं है, कोई धरने दो नहीं है, हमारी एक ही डिमांड है। हमने अभी ये RTIs लिखी हैं, ये सारी की सारी जो हमारे साथी जो आप बोल रहे हो उन्हीं के सारे इसमें RTIs के बारे में मांगा है, तो हम सब मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब भी सर हम आपकी बाइक डालते हैं तो एक सवाल उठता है, जो वहाँ पर सैनिक बैठे वो कहते हैं कि आपका सहयोग नहीं है, और आपने कहा कि तमाम पेटिशन आप डालते रहते हैं सैनिकों के वेलफेयर के लिए, तो आपके ऊपर आरोप है कि बहुत सारी झड़ियाँ लगी हुई है, उसमें क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं दूं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, चंद कदमों पे है, क्या आप चल के उनसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपके अपने भाई और अपने बेटे, तो क्या उनसे मिल करके एक मंच की बात हो जाए? मेरे भाई, पहले तो आपने ये जो बात करी, हमने जिस दिन हमारे साथियों ने ये आवाज उठाई उस दिन से हम सभी माध्यम से, आपके माध्यम से अभी ये सभी को कह रहे हैं कि जिसको भी हमारे सैनिक भाई को, पूर्व सैनिक भाई को अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हमारे पास आ सकता है, खुली छुट्टी है, और आए हम इकट्ठे होकर उनकी बात सुनेंगे, इकट्ठे मिलकर हम उसका समाधान लगाएंगे और फिर सरकार के पास इकट्ठे जाएंगे, ताकि हमें उसका सही जो एक मिनट जो सही उसका रास्ता है, जो असली डिमांड है वो मिल सके। क्यों नहीं होगा, कम मर्जी आ जाओ, अगर हम ये देखो आज 2900 दिन है, यही सारे हमारे पास ही बैठे थे, ये कहीं बाहर के नहीं है, बातचीत हो रही है। आप आते हैं एक अधिकारी और लड़ाई, हम अधिकारी नहीं है अकेले, मैं तो एक सुनिए, मेरा सारा देश जानता है, मेरे को मिट्टी का जर्नैल कहते हैं, मैं कोई एयर कंडीशन का जर्नैल नहीं हूँ, मैं अपने साथियों के साथ बैठा हूँ इधर। हाँ, सारे के सारे हमारे साथ ही तो थे, उनमें से कुछ हो अभी भी बात ही हो रही है उनके साथ। एक बात बताऊं, जवान और ऑफिसर का जैसे उंगली से नाखून जुड़ा होता है वैसा ही रिश्ता है, और जो लोग ये दिखा रहे हैं वो भी लड़ाई हकों की उठा रहे हैं, यहाँ भी हकों की लड़ाई है। आज अगर उनके ऊपर कोई यहाँ चाहेगी हम वहाँ जाके कूद के बीच में खड़े मिलेंगे, इनके ऊपर अगर कोई यहाँ चाहेगी तो वो लोग यहाँ खड़े मिलेंगे, कभी अलग नहीं हो सकते। एक मिनट, मेरे ये जवाब देने दो, वेट, जो अभी सुदेश ने बोला ये भी हमारे एक ऑफिसर साहबान की मेम साहब है, इन्होंने हमारे पहले वाले मूवमेंट में 813 दिन का भूख हड़ताल किया था, हर रोज अपना घर का चौंका पूरा करके 9 बजे यहाँ पहुँचती थी, 5 बजे जाती थी, और ये मरण अंश पे थी डेली, और इसने 10 दिन तक मरण अंश लगातार भी रखा, जब ये बेहोश हो गई तो इसको हम हॉस्पिटल लेके गए। क्या ये अपने लिए बोल रही थी? नहीं, ये पूरे सैनिकों के लिए, पूरे विडोज के लिए हम बोल रही थी, हमारी वीर नारियों के लिए बोल रही थी। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पूर्व सैनिक, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, हम एक हैं, हम मिलकर इकट्ठा होकर, कभी मर्जी किसी का कोई मटाव है या कोई कह रही है कि डिफरेंस है, आओ मिलके बैठ के हम सॉल्व करते हैं, हम अभी हैं इस वक्त। सर आप कह रहे हो कि आइए मिलकर बैठकर बात करते हैं, अगर वो नहीं आते हैं दूसरा तो हमने तो मैसेज आप उनके दरवाजे पर, अरे मेरे भाई मैंने तो 500 मैसेज दिया, पूछो पहुंचे कि नहीं, ये तो 10 कदम की दूरी है, चल के क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे मेरे को जाने में कोई तकलीफ नहीं है, चल के आते हैं, बच्चा चल के आते हैं, आप ऐसे 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 मत करो, मेरे को जाने में कोई तकलीफ नहीं। 2900 दिन यही इनको पूछे तो फिर मैं लेता हूँ। हाँ जी, मेरे भाई जो गुमराह किया जा रहा है लोगों को, मेरे भाई कोई गुमराह हो रहे हैं या किया जा रहा है, एक षड्यंत्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी तक मूवमेंट जो शुरू हुई है, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर अक्रॉस द कंट्री और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, सभी रैंक्स के लिए जो भी इश्यूज हैं उनके लिए शुरू हुआ था, है और आगे भी रहेगा। सर RTI के बारे में कुछ बताइए, आपने कहा कि RTI आपने सबमिट किया है, किस मामले को लेकर है? बेटे ये मामला जो
20 जनवरी को गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखी जिसमें जेसीओस की पेंशन कम कर दी, राइट, जिसने जवानों की पेंशन कम कर दी, जिसने पीएमआर को खत्म कर दिया, जिसने एक्स ग्रुप के दो भाग बढ़ा दिए, एक तो 6200 एक 3600 जवान जानबूझकर, जिन्होंने ओआरओपी 1 में मेजर्स की पेंशन 12 से 21 साल तक हर 6 महीने में बढ़ती थी, अभी एक जैसा कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल की 26 से 33 साल तक हर 6 महीने में बढ़ती थी, अभी एक ही कर दी। एमएसपी के बारे में हमने लिखा है कि एमएसपी जो है उसका आप हमें बताइए कि आप किस हिसाब से दे रहे हो, और इनकी एमएसपी बढ़नी चाहिए, ये चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री को लिख चुका हूँ। देखो अभी 14 तारीख को ये डाली है, उनको 30 दिन मिलते हैं, 30 दिन वो लेंगे, आखिरी दिन को हमको बताएंगे, अगर बताया नहीं तो हम आगे चले जाएंगे। जो चीफ इलेक्शन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, सुनो, पर इसके बीच में हमने 12 केस एएफटी में डालने के लिए आपस में सोच विचार किया है, 4 केस डाल भी दिए, जैसे कि एक्स ग्रुप का सबकी अधिकारी लग नहीं है, पहले तो मैं लग नहीं हूँ, मैंने आपको बोला मैं तो सैनिकों का जनरल हूँ, समझ गए हो, और मिट्टी का जनरल हूँ, इनके साथ हूँ, इनके साथ रहा दिन रात। आज भी मेरे भाई ने शायद आप बताया, और ट्रुथ है, मैं 16 से 18 घंटे अपने जवानों के लिए काम करता हूँ। सर जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं 2.57 और 2.81 की बात कर रहे हैं, इसको जरा आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो गलत बातें वो सामने आ रही है, और बार बार इसी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है आपके इसी बयान। मीडिया के आप सभी मेरे बहादुर लोगों और मेरे सब पूर्व सैनिकों, देश के सभी वासियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पेंशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है, ना कोई अधिकारी बनाता है, ना कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाता है, ना कोई और बनाता है, वो बनाते हैं जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट बनाती है, प्रधानमंत्री उसको देखता है, उनकी अप्रूवल के बाद वो इशू होती है, पहले तो वो किसी अधिकारी में नहीं बनती। दूसरा, आज मैं आपके थ्रू ये सभी को 100% कहना चाहता हूँ कि पेंशन की जो फैक्टर है वो सभी का जवान जेसीओ ऑफिसर का 2.57 है, किसी का 2.81 नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत है, फॉल्स है, एक षड्यंत्र है। वीर नारियों का अनाउंसमेंट ये किया था कि जो वीर नारी है उसकी पेंशन कम कर दी जाती है, जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन होती है उसकी 60% कर दी जाती है। हमने केस अभी अब थोड़े ही दिन में डल जाएगा, जिसमें हमने सरकार से मांग की और कोर्ट से मांग की है कि वो एक जस उसका जो है जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है वही रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। करंसी में ये सवाल क्या लग रहा है, अगर चुनाव जाने वाले अगर सरकार ने राम की मांगें नहीं मानी, क्या पूर्व सैनिक सरकार के साथ जाएंगे? हमने पहले सभी सरकारों को बोला था, आज नहीं 2008 से, जो हमारे साथ हम उसके साथ।